दुनिया के हर इंसान को खाने पीने का शौक अलग अलग होता है। किसी को कुछ खाना पसंद होता है तो किसी को कुछ। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के हर इंसान से अलग चीजें खाना पसंद करता है। दरअसल ये शख्स ऐसी चीजें खाता है जिन्हें कोई आम इंसान खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस इंसान का नाम है माइकल लोटिटो। माइकल लोटिटो फ्रांस के रहने वाले थे और उन्हें अजीबोगरीब चीज खाने का शौक था। उनके शौक का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि वो पूरा का पूरा एक हवाई जहाज खा गए थे। बता दें कि फ्रांस के ग्रेनोबल में 15 जून 1950 को माइकल लोटिटो का जन्म हुआ था। लोटिटो जब 16 साल के हुए तो उन्हें असामान्य चीज खाने का शौक लगा। उनकी इस बीमारी को मेडिकल की भाषा में पीका कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोग इंसानी खाने को पचा नहीं पाते, जबकि असामान्य चीजें खाकर आसानी से पचा लेते हैं। शुरुआत में लोटिटो अपने नाखून से लेकर कांच के टुकड़े तक खा जाते थे जिन्हें वे आसानी से हजम कर लेते थे। बताया जाता है कि लोटिटो जब भी केले, उबले हुए अंडे या ब्रेड जैसे सामान्य चीजें खाते थे तो वे उन्हें पचा नहीं पाते थे, लेकिन किसी धातु की चीज को खाकर वो आसानी से उसे हजम कर जाते थे। दुनिया के लोग उन्हें अजीबोगरीब इंसान मानते थे, लेकिन लोटिटो खुद को सामान्य मानते और ये सब करना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने 1966 में इसका प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनके इस करतब को देखने के लिए टिकट लेकर आते थे। लोटिटो ने लोगों के सामने बैठकर पलंग से लेकर टीवी सेट, कंप्यूटर, साइकिल और अन्य धातु की कई चीजें खाकर दिखाई थी। धातु की बनी चीजों को खाने के लिए वो उनके पहले छोटे छोटे टुकड़े काट लेते थे और उन्हें बराबर मात्रा में पानी और मिनरल ऑयल के साथ खाया करते थे। यही नहीं, वह पेट्रोल भी पी जाते थे। पेट्रोल पीने के पीछे उन्होंने वजह बताई कि उनका गला चिकना हो जाता है जिससे धातु की चीजों को निगलने में आसानी होती है। डॉक्टरों के मुताबिक लोटिटो के पेट के आंतों में एक मोटी संरक्षण परत है जो सामान्य इंसानों में नहीं होती। यही वजह है कि वो धातुओं या कांच या रबड़ बड़ी आसानी से खाकर पचा लेते थे। माइकल लोटिटो का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब साल 1978 में उन्होंने हवाई जहाज को टुकड़ों टुकड़ों में खाना शुरू किया और केवल 2 साल में यानी 1980 तक वो पूरा एक हवाई जहाज खा चुके थे। एक अनुमान के मुताबिक 1959 से 1997 तक माइकल लोटिटो करीब 9 टन यानी 8164 किलो धातु की चीजें खा ली थी। अजीबोगरीब चीजें खाने की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 25 जून 2007 को 57 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।